नमस्कार, आज सरिताज किचन में हम बनाएंगे सूजी का चीला। इसके लिए हमें एक कटोरी सूजी लगेगी और कूटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च दो, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर और धनिया। अब हम एक कटोरी सूजी है उसको डालेंगे बाउल में और एक छोटा कप दही डालेंगे। मसाले डालेंगे अब हरी मिर्च, कांदा, टमाटर और धनिया डाल के हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से हम सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमने एक कटोरी पानी लिया है, सूजी जिससे लिया था हमने उसी कटोरी से पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है, एक साथ पानी नहीं डालना है। और यकीन मानो ये चीला बहुत टेस्टी बनता है सुबह के जल्दबाजी में, ये तो फटाफट नाश्ता बनने वाला है। अब इसे हम अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। बच्चों को तो ये चीला बहुत ही पसंद आता है, रवा उपमा तो बच्चे भी उतना नहीं खाते हैं, रवा का उपमा। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे क्योंकि सूजी हमारी, देखिए अभी हमारा सूजी 10 मिनट के बाद पानी सोख कर लिया है। अब इसे अच्छे से फेटेंगे हम। अब हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, अपना बैटर थोड़ा स्मूथ कर लेंगे ऐसे और इसे अच्छी तरह से हम फेटेंगे क्योंकि हमने ना इनो डाला है ना ही सोडा डाला है, इसकी वजह से हम जितना फेटेंगे उतना ही हमारा बैटर अच्छे से तैयार होगा। देखिए इस तरह से। और हमने एक कटोरी पानी लिया था उसमें से 2 चम्मच खाली पानी बचा है और एक कटोरी पानी पूरा लग गया है, तो अच्छे से हम इसे फेंट लेंगे। अब हम एक तवा लेंगे, उस पर तेल लगाएंगे थोड़ा सा, अब 2 चम्मच बैटर डाल के अच्छे से हम बैटर को फैला लेंगे और जितना फैलता है उतना ही फैलाएंगे, ज़्यादा नहीं, इस तरह से। ये चीला बहुत टेस्टी बनता है, बेसन के चीले से भी ज़्यादा ये टेस्टी चीला बनता है और फटाफट भी हो जाता है, 10 मिनट में हमारा नाश्ता रेडी हो जाता है। अब देखिए ऊपर का हमारा ड्राई हो गया है, अब हम थोड़ा तेल लगाएंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम चीले को पलटी करते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारा चीले का। नीचे से भी हमारा चीला अभी पक गया है। अब हम चीले को उतारेंगे, दूसरा चीला डालेंगे। फिर तेल लगाएंगे पैन तवे पे और फिर जो बैटर बचा है हमारा वो सारे बैटर हम डाल देंगे। एक कटोरी सूजी में हमारा 2 चीला आराम से तैयार हो जाता है और एक चीला खाएंगे एक जन तो पेट वैसे ही भर जाता है, इसके वजह से
एक कटोरी में दो चीले आराम से तैयार हो जाते हैं। देखिए इसे आराम से पलटी करेंगे, देखिए हमारे चीले का कलर कितना अच्छा आया है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। थोड़ा सा तेल डाल देंगे, ये भी चीला हमारा तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा और कितना टेस्टी एंड हेल्दी हमारा चीला बनके तैयार हो गया है। थैंक यू।